नमस्ते बच्चों, आप लोगों को मैंने कक्षा सेकंड के दो पाठ्यक्रम के अंतर्गत दो पाठ आने वाले थे। प्रथम पाठ खिलौने वाला और सेकंड पाठ अपना आ रहा है पांच बंदर। तो मैं आज पांच बंदर हिंदी में कक्षा सेकंड के लिए लिख कर आई हूँ। पांच बंदर पाठ एक कहानी के रूप में हमारी पुस्तक में अंकित की गई है। आप लोगों के पास अभी पुस्तक है नहीं तो मैं उसको किताब में आपको कहानी की तरह इसको सुनाऊंगी, फिर इसके आधारित आपको कुछ प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो आज इस कहानी को हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम इसे समझेंगे। पाठ दो, पांच बंदर कहानी। प्रस्तुत पाठ एक नटखट पांच बंदरों पर आधारित है। ये पांच बंदर शरारत करते करते एक नगर में पहुंच गए। नगर में उन्होंने इमारतें देखी, बाजार देखे, दुकानें देखी। वे बोले कि आदमी ने कितनी तरक्की कर ली, आदमी ने कितनी सारी इमारतें बनाई है। वे सब इमारतों को गिनने लगे। तभी एक बंदर ने कहा कि हम इमारतें गिन रहे हैं और कहीं जितने बंदर हम आए थे उतने उनमें से कोई कम तो नहीं है। तो उनमें से एक बंदर सबको गिनना शुरू किया। वो बार बार गिनता परंतु एक बंदर गिनती में कम आ रहा था। तभी उधर से एक आदमी निकला। उनमें से एक बंदर ने उस आदमी को बोला कि वह हमें यह बताए कि हम जितने जंगल से आए हैं उतने हैं या नहीं। आदमी ने पूछा, तुम कितने आए? वे बोले, हम पांच आए। आदमी ने गिनना शुरू किया, एक दो तीन चार पांच। वह बोला, आप पांच ही हैं। बंदर ने कहा कि तो मेरी गिनती कम क्यों आ रही थी? तब आदमी ने समझाया कि तुम जब गिन रहे थे तब तुम अपने आप को गिन नहीं रहे थे, इसीलिए तुम्हारी गिनती गलत आ रही थी। तब बंदरों ने कहा कि आदमी होशियार है, तभी तो उसने इतनी उन्नति की है। और वो फिर बंदर अपने जंगल चले गए। तो इस कहानी के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी के अंदर और बंदर के अंदर क्या अंतर रहा। तो आदमी के पास मानव शरीर के अंदर मस्तिष्क है और मस्तिष्क के आधार पर वह कई उन्नतियां कर चुका है। बंदरों के पास वह बुद्धि नहीं थी। ये कहानी बड़ी अच्छी और सुंदर तरीके से हमारी किताब के अंदर अंकित की गई है। तो आप लोगों सभी बच्चों से ये निवेदन है कि इस पाठ को एक बार कहानी के रूप में एक बार याद करें। हम जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी तब मैं ये कहानी आप सबसे पूछूंगी। आज का अभ्यास कार्य यही है कि इस कहानी को याद करें। धन्यवाद।